नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद रखता हूँ कि अच्छे होंगे सब लोग। तो आज एक और नया वीडियो के साथ मैं यहाँ पर हाजिर हो गया हूँ। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे किचन है, MDF का किचन है ये। ये एक कट्टा है, एक कट्टे में 10 पीस रहेगा और 10 पीस का प्राइस रहेगा आपके लिए 50 रुपये पर पीस। आपको पड़ गया इसके अंदर में 5 रुपये का। तो इसमें काफ़ी सारे डिजाइन जो है आप देख रहे हो। ये देखिए, ये रिंग है, ये इसको की रिंग कहते हैं। की रिंग रहेगा एक पैकेट में 288 पीस और इसकी प्राइस बनेगी 288 रुपये। और ये आप देख पा रहे हैं MDF का किचन, काफ़ी सारे इसमें डिजाइन है, देख रहे हो। गिटार है, कपल है, बटरफ्लाई है, एप्पल है। और ये देखिए, ये है अल्फाबेट, लेटर, अक्षर। एक पैकेट के अंदर में रहेगा 100 पीस और 100 पीस का प्राइस रहेगा 50 रुपये। इसमें काफ़ी सारे डिजाइन रहेंगे और अच्छी क्वालिटी वाली लकड़ी है। और दूसरा आप ये देख पा रहे हो, की होल्डर, मोबाइल की होल्डर है। ये मोबाइल की होल्डर एक पैकेट के अंदर में 5 पीस रहेगा और 5 पीस का प्राइस, एक पैकेट उस पर पीस पड़ेगा आपको 50 रुपये का। अच्छी क्वालिटी वाली रहेगी। और ये किचन के अंदर में भी आप देख पा रहे हैं, काफ़ी सारा डिजाइन है। और ये वाला आप जैसे देख रहे हो, ये लकड़ी किचन, ये मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का है। ये बोला कि मेरे भी इसमें ऐड कर देना, तो मैं उनका नंबर मैं आपको अलग से दे दूँगा, आप उनसे बात कर लेना, ठीक है जी। जो किसी को चाहिए रहेगा तो ये अच्छे अच्छे इसमें डिजाइन है। राधा कृष्ण है, गणेश जी है, और इसमें बजरंग बली भी है, स्वास्तिक है, मछली है, तो काफ़ी सारे डिजाइन है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप जब जाए तब ले सकते हैं। ये देखिए, ये स्वास्तिक है, सब प्योर लकड़ी का रहेगा। और ये देखिए गणेश है, ये बड़ा साइज में है, ये भी अच्छी लकड़ी का है। प्राइस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए आते हैं हमारे यहाँ पर। ये अब मेरा किचन है, किचन के पर पीस आपको मैं बता दिया 5 रुपये का। एक कट्टा रहेगा 50 रुपये का। और जिस किसी को भी लेना है, ऑल ऑफ इंडिया होम डिलीवरी हो जाएगा। इसको मेला में, जतरा में, एग्जीबिशन में कहीं पर भी लगाकर आप इसे बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी ऑल ऑफ इंडिया होम डिलीवरी हो जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट आपको करना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।